एक तरफ है KFC तो दूसरी तरफ है नैशविल। क्या लगता है कौन किस पे भारी गिरने वाला है? इसको आप ऐसे निकालोगे ना तो डायरेक्ट ऐसा आप प्लेट बना के खा सकते हो। भी मसाला डाला हुआ है, ये देखो भाई, ये तो टक्कर अभी से ही दे रहा है। पॉपकॉर्न में KFC को बीट करना मुश्किल है। इसका पैकेजिंग ही देखो, वाओ। अब ये प्लेट ही हो गया, आप बैठ के आराम से ऐसे खा सकते हो। बोल रहा साइज छोटा है बट पैटी बड़ा है। इसमें दिया है और इसमें मसाला नहीं दिया, आप देखो ना डिफरेंस। इसका पिंजरा मस्त है भाई। दिखने को क्या लग रहा है यार? हेलो बाइटर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वी कैन बाइट। सो गाइस, आज हमारे सामने दो अमेरिकन ब्रांड भिड़ने वाले हैं। yes. एक तरफ है KFC यानी कि केंटकी फ्राइड चिकन, और दूसरी तरफ है NFC यानी कि नैशविले फ्राइड चिकन। और भाई दोनों टक्कर के है इतना बोल सकते हैं, बट KFC तो ऑल टाइम हमारा फेवरेट ही है। बट आज देखते हैं क्या NFC KFC को टक्कर दे पाती है या नहीं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, KFC अमेरिकन ब्रांड है और KFC का जन्म हुआ था अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी यूटा में, और नैशविल फ्राइड चिकन भी अमेरिकन ब्रांड है, इसका जन्म हुआ था नैशविल में। ओके, तो भाई हम लोग ने आज KFC से भी कुछ चीजें मंगाए और नैशविल फ्राइड चिकन से भी कुछ चीजें मंगाए, तो सिमिलर मंगाए तो ही अच्छा कंपेरिजन होगा। फॉर एग्जाम्पल राइस है तो राइस, फ्राइज है तो फ्राइज, पॉपकॉर्न चिकन है तो पॉपकॉर्न चिकन, हॉट एंड क्रिस्पी तो हॉट एंड क्रिस्पी, और हर एक चीज का कंपैरिजन होगा, प्राइसिंग, क्वालिटी, पैकेजिंग। और पैकेजिंग की बात करें तो NFC का पैकेजिंग थोड़ा यूनिक लग रहा है, देखो। तो चलो भाई हम लोग अभी 1-on-1 कंपैरिजन करेंगे, देखते हैं आज कौन जीतता है, KFC या NFC। और मेन मतलब दो अमेरिकन ब्रांड भिड़ने वाले एक दूसरे से आज, एक तरफ है KFC तो दूसरी तरफ है नैशविल। क्या लगता है कौन किस पे भारी गिरने वाला है? बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करने वाले हैं फ्राइज, ठीक है? जो है फ्रेंच फ्राइज, तो फ्रेंच फ्राइज हमारा फेवरेट है वैसे तो। सबसे पहले हम लोग KFC का ट्राई करेंगे। यस, तो पैकेज देखो ऐसा है और इसका पैकेज देखो ऐसा है, तो पैकेजिंग में क्या लगता है सागर? पैकेजिंग का दोनों अच्छा है, मेरे को तो ये भी अच्छा लगा, ये तो एकदम कलरफुल है थोड़ा, है ना? कलरफुल है, हाँ। ठीक है, तो चलो टेस्ट ट्राई करते हैं, दोनों पैकेजिंग में तो अच्छे ही है, थोड़ा ऑयली ऑयली है, टेस्ट अच्छा ही है। KFC का हम लोग को पड़ा 99 रुपीज में। अभी ये खोल के देखते है नैशविल का प्राइस, और ये देखो मसाला भी डाला इसके ऊपर, क्या बात है यार। इसका प्राइस है 109, ठीक है भाई, 9-10 रुपए ज्यादा लिया है इससे, बट टेस्ट और मसाला विसाला डाल के पैकेजिंग के हिसाब से मेरे को नैशविल इसमें अच्छा लगा फ्राइज में। तो फ्राइज में विनर है हमारे तरफ से NFC। यस, तो नेक्स्ट कंपैरिजन होने वाला है चिकन पॉपकॉर्न के बीच। वाह भाई, तो पैकेजिंग भी मस्त है, देख क्यूट है एकदम दोनों का। KFC का मेरे को पैकेजिंग में क्या लग रहा है पता है? ये जो है ना ये पतला है थोड़ा सा, और इसका मोटा मोटा है पूरा। तो संकेत बता अभी। तो चलो सबसे पहले KFC का पॉपकॉर्न ट्राई करते हैं। यस, KFC का पॉपकॉर्न तो बढ़िया यार। प्राइसिंग कितना है इसका KFC के पॉपकॉर्न का? तो KFC का पॉपकॉर्न है 115 रुपए का। यस, अभी इसका ट्राई करते हैं। ओ भाई, इस पे भी मसाला डाला हुआ है, ये देखो भाई, ये तो टक्कर अभी से ही दे रहा है। इसका प्राइस है 125 रुपया, 125 और ये 115। लेकिन भाई मेरे को पर्सनली KFC का पॉपकॉर्न अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा पॉपकॉर्न, सच है ये थोड़ा नरम। KFC पक्का। यस, पॉपकॉर्न में KFC को बीट करना मुश्किल है भाई। तो ये राउंड का विजेता है KFC। तो अभी 1-1 हुआ है दोनों का। तो भाई नेक्स्ट हम कंपेयर करने वाले हैं चिकन विंग्स। यस, तो भाई इसको देख के ही NFC कितना अलग लग रहा है, इसका डब्बा एकदम पैकेजिंग एकदम अलग लग रहा है, एक नंबर अच्छा लग रहा है भाई। पहले KFC का ट्राई करते हैं। तो KFC का चिकन विंग्स है 179 रुपीज का, तो चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। चलो भाई, भाई KFC तो KFC है यार,
चिकन विंग्स एक नंबर है। अब ट्राई करते हैं एनएफसी का, फिर बताते हैं विनर। सबसे पहले तो बॉक्स देखो भाई कितना यूनिक है। अब इसको खाने का भी अच्छा तरीका, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये देखो इसको आप ऐसे निकालोगे ना तो डायरेक्ट ऐसा आप प्लेट बना के खा सकते हो। और मेन मतलब इसमें डिप नहीं दिया। हाँ इसमें डिप नहीं दिया, इसमें डिप दिया। देख के ही थोड़ा एक्साइटमेंट आ रहा है। इसका बैटर में थोड़ा अलग टेस्ट है इसके, बट आई गेस मेरे को केएफसी पसंद आया इसमें विंग्स में। मेरे को भी केएफसी पसंद आया, लेकिन इन्होंने भी अपना पूरा एफर्ट दिया है, क्योंकि ये लोग ने सॉस का डिब्बा अलग दिया, अलग 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 पैकेजिंग रखा है। लेकिन कोई नहीं, ये राउंड जीतता है केएफसी भाई। टेस्ट में आ, सिर्फ टेस्ट में टक्कर मार दी, बाकी पैकेजिंग देखो, डिप देखो, सब दिया है लोग ने। केएफसी तो अब स्कोर हो चुका है 2-1। तो भाई अब बारी है बर्गर की। लेकिन कौन से बर्गर की? ये हम लोग ने लिया है चिकन तंदूरी बर्गर, और ये भी चिकन तंदूरी बर्गर लिया है। दोनों का तंदूरी बर्गर है, और ये है 208 रुपए का केएफसी का। तो चलो भाई, पैकेजिंग के हिसाब से तो केएफसी ऑल टाइम जैसा डब्बा देता है। लेकिन इसका देख भाई, ये खोलेंगे, रुको, ये तो थोड़ा हटके ही दिख रहा है भाई। बीच में ऐसा पैटी दिया है बड़ा वाला और लेटिस चिकन वाला, ठीक है। तो चलो टेस्ट करके देखते हैं। तंदूरी सॉस भी अच्छा है इसका। बर्गर में केएफसी को बीट करना थोड़ा मुश्किल है। देखते भाई, पैकेजिंग तो धमाल की लग रही है। ये देखो इसका पैकेजिंग ही देखो। वाओ वाह 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 भाई, मेरे को एक सेकंड के लिए लगा ग्रीटिंग कार्ड खोल रहा हूँ। एनएफसी का एक मैंने देखा है कि पैकेजिंग में ये लोग प्लेट दे देते हैं। अब ये प्लेट ही हो गया, आप बैठ के आराम से ऐसे खा सकते हो, कुछ गिरेगा भी तो आप वापस ले सकते हो। वाह वाह, थोड़ा साइज मेरे को केएफसी से थोड़ा छोटा लग रहा है देखने का। तो देखो माल मटेरियल देखो भाई, लोडेड लग रहा है मेरे को। माल मटेरियल देखो अंदर, इसमें भी लेटेस्ट डाला है भाई, तंदूरी सॉस है, तंदूरी सॉस है, पर्पल कलर का कुछ तो है, वो रेड कैबेज है। तो बोल रहा साइज छोटा है बट पैटी बड़ा है। हा, चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो भाई ये बर्गर का प्राइस था 239 रुपीस, और इसका कितना था? 208। मेरे को पर्सनली ये पसंद आया इसका तंदूरी बर्गर। प्राइसिंग भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है। इनका प्राइसिंग भी थोड़ा ज्यादा है, इसका प्राइसिंग ज्यादा है, टेस्ट भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि कुछ गंदा है। बाकी नहीं, बट इसके कंपैरिजन में टेस्ट थोड़ा सा कम है अगर देखा जाए तो, बट फुल्ली लोडेड है। हाँ एक नंबर। तो भाई ये राउंड भी जीतता है केएफसी। अब स्कोर क्या है संकेत? मेरे हिसाब से अभी स्कोर है 3-1, बट टक्कर मुकाबले की है भाई। यस, कौन जीतेगा पता नहीं। तो भाई नेक्स्ट उतरे हैं मैदान में इनका राइस बॉल। ओ भाई ये देखो, दिखने में तो दोनों अच्छे हैं भाई, दोनों सेम है, सेम साइज क्वांटिटी भी सेम ही लग रहा है। तो देखो ये ओपन करके दिखाता हूँ। ओहो, राइस और लेग पीस, क्या बात है। पोहा क्यों लग रहा है? पोहा नहीं है राइस। लेकिन इसमें भी भाई खुल जा सिम। ओहो, मसाला इसमें दिया है और इसमें मसाला नहीं दिया। इसका कलर ये थोड़ा व्हाइटिस्ट है और ये थोड़ा येलोइश है। ये है 229 का केएफसी का, और ये है 259। लेकिन नेशविल के सब प्रोडक्ट थोड़ा ₹10-20 ज्यादा भी नहीं है। तो भाई चल भाई, तो चलो पहले राइस ट्राई करते हैं। केएफसी का जो राइस है एकदम सॉफ्ट है ना, एकदम सॉफ्ट। इसका भी ग्रेवी नीचे, इसमें बीन्स है अंदर, अंदर इसके ऐसे राजमा के बीन्स दिए भाई। आपको राजमा में मिल रहा है, अच्छा प्रोटीन भी दे रहे, क्या बात है। लेकिन अच्छा है ना, सूखा सूखा तो नहीं है कम से कम भाई। एक नंबर भाई, मेरे हिसाब से मेरे को तो ये पसंद आया राइस बॉल में। आप देखो ना डिफरेंस, ये देखो। तो भाई राइस में तो एनएफसी जीत गया है ना। यस, तो अब स्कोर हो चुका है 3-2। तो भाई नेक्स्ट हम लोग ने लिया है हॉट एंड क्रिस्पी फ्राइड चिकन। भाई ये फेवरेट है और ये मेन टक्कर होने वाला है, क्योंकि फ्राइड चिकन किसका अच्छा है वो अभी डिपेंड करता है। भाई केएफसी का टक्कर तो पॉसिबल ही नहीं हॉट एंड क्रिस्पी में, देखते हैं। पहले दिखाते हैं ये
इसका पैकेजिंग फिर से अच्छा है भाई। भाई इसका पैकेजिंग में मुश्किल है भाई, एकदम ऐसा, ये तो ऐसे लुढ़क पुढ़क के ही आता है हमेशा केएफसी का, बट ये देखो भाई एक नंबर। और ये वाला केएफसी का है 229 का। यस, और ये है 239 का। क्या बात है, चलो केएफसी पहले ट्राई करते हैं। चलो भाई भाई ये तो ऑल टाइम हमारा फेवरेट है, जिसके 10 में से 10 ऑलरेडी है। अब देखते हैं इसके टक्कर में एनएफसी ने क्या कमाल किया है। पिंजरा खोलते हैं इसका। इसका पिंजरा मस्त है भाई। अरे भाई साहब का लग रहा है भाई, ये क्या है, दिखने को क्या लग रहा है यार। इसमें फिर से डिप दिया है लाल मसाले में, प्लस वन इसको फिर से, क्योंकि ले डिप दे रहे हैं लोग हर एक जगह पे। मैं सच बोलूं तो मेरे को ये पसंद आया, क्या लग रहा है यार। कभी कभी हम लोग को भी ये लगता है कि केएफसी हर एक पे क्यों नहीं वो मसाला डालता, ऑब्वियसली सबको नहीं पसंद होता है, बट ये जो मसाला डाला है हम लोग तो इसको पसंद करते हैं। स्पाइसी है और मेरे को तो बहुत पसंद है। प्लस पैकेजिंग, ये जो ऊपर मसाला डाला है और सॉस एकदम यूनिक, मजा आ गया। तो भाई, भाई ये राउंड का विनर है हॉट एंड क्रिस्पी का। अब स्कोर हो चुका है 3-3। अब फाइनल डिसाइडिंग राउंड होने वाला है। तो उसमें देखते हैं डेजर्ट राउंड में कि कौन जीतेगा, और वो होगा आज का कंपैरिजन का विनर। चलो देखते हैं। तो डेजर्ट में हम लोग ने मंगाया था चोको लावा के, केएफसी का और नैशविल का। तो इसको केएफसी का, इसको बोलते हैं चॉकलेट लावा केक, बराबर, और इसको बोलते हैं लावा ब्लास्ट, चॉकलेट लावा ब्लास्ट ऐसा नाम है, और है तो दोनों सेम ही वैसे। और साइज में भी देखो, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। अब अंदर वही सेम साइज निकला तो भाई पोपट, वरना अलग बात है। और ये है 108 रुपए का केएफसी का, और ये है 129 का भाई। ठीक है, ये क्या भाई, पूरा सेम अंदर का मटेरियल बाहर का जो पैकेट है वो सेम है, बट साइज वाइज ये थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि 129 भी 129 का है। तो चलो सबसे पहले केएफसी ट्राई करते हैं। अच्छा, ये ये ट्राई करते हैं, अभी ब्लास्ट ट्राई करते हैं, क्या ब्लास्ट होता है सच में। चलो स्मूथ, चिपका भी नहीं। देखो ये थोड़ा डार्क है और ये थोड़ा स्वीट है। अपन इसमें सच में बोल नहीं सकते कौन जीता, क्योंकि ये राउंड दोनों ही जीते हैं देखने गए तो, क्योंकि भाई टेस्ट में दोनों अच्छे ही है। देखो देखो, मैं आपको प्रॉपर स्पेसिफाई करता हूँ, ये 108 का है उस हिसाब से उन्होंने साइज दिया है, ये 129 का है उस हिसाब से उन्होंने साइज दिया है, बराबर। दोनों अंदर ब्लास्ट होता है, दोनों ब्लास्ट हुए भाई, दोनों अंदर जाके मेल्ट हो रहा है, सॉफ्ट है। तो आप किसको फिर विनर देंगे, दोनों को ही विनर देना पड़ेगा। ये राउंड हम दोनों को विजेता ठहराते, क्योंकि दोनों का टेस्ट अच्छा है और दोनों अपने अपने फील्ड में टॉप पे है भाई। बट ये नैशविल अब भी आया है, ये अच्छा लग रहा है ना कि भाई आके थोड़ा उस राजा को हिलाना जिसने भाई पूरा साम्राज्य बना के रखा है केएफसी ने। देखते हैं एनएफसी कितने लोगों तक पहुंचता है और कितने लोग उसको पसंद करते हैं। हम लोग का मकसद यही था कि मार्केट में क्या नया आया है ये आप तक पहुंचाने का। तो अभी जैसे कि अगर केएफसी का अल्टरनेटिव आपको ढूंढना है तो आप एनएफसी ढूंढ सकते हो। तो भाई आज के स्कोर के हिसाब से अब मैच हो चुका है ड्रॉ, और दोनों विजेता है भाई, क्योंकि दोनों अपने अपने फील्ड में माहिर है, तगड़े हैं। हम लोग किसी को बुरा नहीं बोलना है, क्योंकि ये सच बात है, दोनों अपने अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। बट बोलते हैं ना अपन को जो लेकिन जो हम लोग को स्पॉन्सरशिप देगा वो अच्छा है। वैसे तो देखो केएफसी जैसा एक प्यार होता है ना, प्यार वो दिल में थोड़ा स्पेशल जगह होता है, वो केएफसी है भाई। इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है, बट अच्छा कर रहा है भाई एनएफसी भी, मजा आ गया भाई। तो यही था हमारा आज का स्पेशल वीडियो, जिसमें हम लोगों ने कंपेयर किया केएफसी वर्सेस एनएफसी। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज अभी जाके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आपने अब तक वेगन बेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए आप भी हमारे जैसे खाओ पियो और मौज करो।